अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल। आप देख रहे हैं सुहेल टेक्निकल टीवी। जब हम मशीन ऑन करते हैं तो इस पर टूनर कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट का मैसेज आ जाता है। इसको कैसे सही करते हैं? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, स्टार हम यहाँ पे स्टार लोगन को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर पासवर्ड लगाएंगे जो है 1934। करने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे इसको दबाना है, डायग्नोस्टिक रूटीन को, कॉपी रूटीन को दबाना है। 132 NVM इंस्टॉलेशन कॉपियर, इसको आपने करना है। इसके बाद ये देखें, DC 132 NVM इंस्टॉलेशन कॉपी में गए हैं। ऑल कॉपी पहले आपने इसको करना है। ये देखें, इंसिलाइज सबसे पहले आपको इंसिलाइज करना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। मशीन वेरिएबल NVM, इसके बाद इसको आपने इनिशियलाइज करना है। करने के बाद यहाँ इसको आपने कंफर्म कर देना है, फिर इसको क्लोज कर देना है। ये तीसरे वाला है, साइको टेस्ट ऑफ, इसको आपने बाद में करना है। सबसे आखिर में इसको करना है, आप इसको अपने सिस्टम कंट्रोल टेस्ट को इनिशियलाइज करना है। करने के बाद आपने कन्फर्म कर देना है। इसको यहाँ पे ये देखिए हो गया। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये इसको अच्छी तरह बोतल को भर लेंगे, इसको फिल कर लेंगे टोनर के साथ, ताकि ये टोनर जो है ये वो जो टैंक इसके साथ फिल हो जाए। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे हम टोनर को फिल करने के बाद, ये फाइंड कंपोनेंट को प्रेस करेंगे। करने के बाद ये देखें, हम यहाँ से एरो की से नीचे आएंगे। यहाँ पे आपने 0945, ये देखें 0731 हो गया, 0945 देखें, ये आ गया कैटरेज मोटर 09-05। कैटरेज मोटर को हमने सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से सेव करेंगे। तो ये जो हमारी जो ये बोतल है, ये बोतल है घूमने लग जाएगी। फ्रंट डोर बंद ना करना पड़े इसलिए हम लगाते हैं ये। अब हम स्टार्ट दबाएंगे, ये देखें ये बोतल घूमने शुरू हो गई है। ठीक है, फिर ये स्टॉप हो गई है, यानी आपने इसको 9-10 दफा इसको करना है, ताकि ये टूनर ये जब बोतल घूमती है तो इसमें होता है टूनर होता है वो टैंक में चला जाता है। इसे आपने 9-10 दफ़ा करना है ताकि ये मसला हल हो जाए। करने के बाद ये इसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसके बाद आपने 905 TC सेंसर कैलकुलेशन में जाना है। इसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है, इसको कन्फर्म करेंगे। हमारी मशीन चलनी शुरू हो गई है,
यहाँ पर टाइम लिखा रहा है, यानी कि ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगी चलने में। ये सेंसर है, ये देखें, ये रुक गई है, ये लिखा टीसी सेंसर सेटअप रूटीन कंप्लीट। इसको हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ कार क्लोज आउट करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे हम। मशीन दोबारा बंद होकर बाहर चलेगी, हम आपको फोटोकॉपी निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमारा ये मसला जो हल हो जाएगा, अब हम यहाँ से इसको चलाएंगे। देखें चल रही है, देखिए वो हमारा मसला जो था वो हमारा अब ठीक हो गया। देखें अब हम प्रिंट निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये देखें मशीन हमारी चल गई है। ये देखें उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह।